नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। ललितपुर का जिला चिकित्सालय अपनी अनियमितताओं को लेकर हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। कभी गंदगी के साम्राज्य के नाम पर तो कभी अस्पताल में प्रसूति महिलाओं का इलाज टॉर्च की रोशनी में करने के नाम पर तो कभी मरीजों तथा उनके तीमारदारों के साथ किए जाने वाले अभद्र व्यवहार के नाम पर। जब भी कोई आम नागरिक या मीडिया कर्मी अस्पताल की अनियमितताओं को सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उजागर करता है तो उस व्यक्ति और मीडिया कर्मी पर भी नाजायज दबाव बनाया जाता है। आज जिला अस्पताल ललितपुर की व्यवस्थाओं की पोल उस समय खुल गई जब स्वयं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा औचक निरीक्षण करने जिला चिकित्सालय में पहुंच गए, जहां अस्पताल परिसर में लगे गंदगी के अंबार को देखकर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संचारी रोगों पर लगाम लगाने के लिए लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है, तो वहीं ललितपुर जिला चिकित्सालय में लगा गंदगी का अंबार संचारी रोगों को खुद निमंत्रण देता नजर आ रहा है। अगर अस्पताल परिसर में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो यहां संचारी रोगों पर कैसे काबू पाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र इस संबंध में अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों से मिलकर वार्ता की जाएगी और अस्पताल में लगे गंदगी के अंबार का कारण पूछा जाएगा। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट में कि क्या कहा सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने। आपने अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या क्या पाई, क्या क्या कमी है अस्पताल में? आज जो वातावरण देख के तो मुझे बड़ा मन दुखी है। गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। यहाँ के सफाई कर्मी क्या करते हैं, क्या CMS करता है, आज मैं निश्चित रूप से इन लोगों से वार्ता करके बुला के बैठा के बात करता हूँ। इतनी गंदगी जब अस्पताल में रहेगी तो ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान कैसे चलेगा, क्योंकि गंदगी ही संचारी रोगों को उत्पन्न करती है। अच्छा, अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्थाएं कम है और पलंगों पर बिजली बिल की तो ठीक व्यवस्था है, बस ये है कि मरीज भी कोऑपरेट नहीं करता है डॉक्टर। मैंने अभी देखा एक मरीज जो 13 का पड़ा हुआ है, उसको लग रहा है डॉक्टर को पॉइजन वगैरह तो नहीं है, तो उसको वोमिटिंग कराने के लिए वो चाहते थे कि हम कराएं इसको, लेकिन परिवार जन ही उसको सहयोग नहीं कर रहा है। मैंने अभी कहा है डॉक्टर को संभवतः जो भी जरूरी ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा, और अस्पताल में केवल गंदगी की वजह से मैं त्रस्त हूँ, बाकी तो ठीक है। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।